नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे नवरात्र स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज दुर्गा नवमी है। आज माता रानी के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज के दिन आप क्या करें, कैसे सिद्धिदात्री की पूजा करें, किन किन मंत्रों का जाप करें, और इसी के साथ आज आपको ये भी बताएंगे कि सिद्धिदात्री माता के पीछे की कहानी क्या है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश विदेश के जाने माने ज्योतिष आचार्य रामचंद्र अनुरागी आचार्य राज मिश्रा जी। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन क्यों बेहद खास माना जाता है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जय माता दी। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, पर आज कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज दुर्गा नवमी है। आचार्य जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, आज का दिन बेहद खास है, आज दुर्गा नवमी है, तो आज का दिन क्यों खास है और आज का दिन हमें क्या संदेश देता है, वो आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अगर सबसे पहले हम दुर्गा नवमी को लेकर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग पहले हाथ जोड़ करके जगत जननी आदिशक्ति माता जगदम्बा का श्रद्धापूर्वक ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। हे देवी, आपका शुभ आशीर्वाद हम सब पर बना रहे ताकि हम सभी का जीवन आपकी छत्रछाया में रहते हुए सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। तो आप सभी लोग मेरे साथ श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके दुर्गा जी की आराधना करें, दुर्गा जी का ध्यान करें। ओम शरणागत दीनार्थ परित्रायण पारायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोले जगत जननी माता जगदम्बा की जय। मैं देवी से प्रार्थना करता हूँ उनका शुभ आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जी, अगर आपने कहा कि आज का दिन क्यों खास है, हम किसी भी कार्य का जो प्रारंभ करते हैं वो ये सोचकर करते हैं कि इसका अंत बहुत अच्छा होगा। हम किसी भी कार्य को अगर प्रारंभ करते हैं तो हमारा ये विचार होता है कि जो इस कार्य का अंत होगा वो बहुत अच्छा होगा। नवरात्र जब हमने प्रारंभ किया, पहले दिन से देवी की आराधना करनी प्रारंभ की और अलग अलग दिन अलग अलग माँ के अलग अलग स्वरूपों की हमने आराधना की। पहले दिन हमने शैलपुत्री की आराधना की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की आराधना की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की, चौथे दिन हमने कुष्मांडा की आराधना की, स्कंद माता की आराधना की, कालरात्रि की आराधना की, कात्यायनी की आराधना की। सभी की आराधना करने के बाद आज हम सिद्धदात्री तक आकर के पहुंचे हैं। सिद्धदात्री देवी का अर्थ है कि इतने दिन जो हमने कर्म किया है, जो देवी जी की हमने आराधना की है, जो देवी जी की हमने वास्तविक प्रार्थना किया है, उसके जो फल प्राप्ति का वास्तविक दिवस है, वो अगर उठा करके देखा जाए तो आज का दिन है। अगर आज की आराधना हमारी ढंग से संपूर्ण हो गई तो निश्चित रूप से देवी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपने 9-8 दिन बहुत अच्छे से पूजन किया है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आज के दिन आपके आपसे कोई चूक हो जाती है, आपसे किसी प्रकार का जो प्रयास है वो ढंग का नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जो आपने 8 दिन तक देवी की आराधना की है, वो देवी की आराधना शायद निष्प्रभावी हो जाती है। इसी कारण से आज के दिन को कहा जाता है सिद्धदात्री देवी का दिवस, कि जो हमने आज तक किया उसका जो फल प्राप्त करना है, जो उसकी सिद्धि प्राप्त करनी है, वो ये देवी हमें आकर के दे सकती है। इस कारण से हम इस देवी की आराधना करते हैं। अगर हम दुर्गा सप्तशती को उठा करके देखा जाए, जब भी हम नवरात्र को लेकर के डिस्कस करते हैं तो स्कंद जो देवी भागवत है उसके तृतीय स्कंद के प्रथम खंड में नवरात्र को लेकर के बहुत सुंदर वर्णन है, और खासकर माता सिद्धात्री को जो लेकर के वर्णन है। माता सिद्धात्री के लिए कहा जाता है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तौ धन धान्य सुतान्विता और मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। माता सिद्धदात्री की आराधना से सबसे पहले जो श्लोक का अर्थ है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तौ, जीवन की हर देवता की आराधना से। हम लोग किसी भी देवता की तो एक चीज के लिए उनकी आराधना करते हैं कि अगर हमें ये कार्य करना है तो हम इनकी आराधना करें, लेकिन एक सिद्धदात्री देवी ऐसी है, जो हमने 9 देवी की आराधना की है उसमें पहली देवी की जो स्वरूप है वो जीवन की स्थिरता के लिए है, दूसरा ब्रह्मचारिणी देवी है ब्रह्मचर्य के लिए है, चंद्रघंटा है मानसिक शांति, एक अलग अलग विषय की है। लेकिन जो नवी देवी है इनके लिए जो श्लोक का वर्णन है वो कहते हैं सर्वा बाधा
विनिर्मुक्त हो। जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं, जीवन की कोई ऐसी दिक्कत नहीं जिसको इनकी आराधना से दूर ना किया जा सके। कहा जा सकता है जीवन में जितनी भी समस्या हो आज के दिन आप बिल्कुल बात करें आपकी सारी समस्या जी। तो अगर आपके जीवन की में कोई भी समस्या है किसी प्रकार से आ रही है, चाहे आप कोर्ट केस से परेशान है, घर में संतान नहीं हो रही, व्यापारिक कोई भी सामाजिक दिक्कत है, तो सकल मनोरथ जो है वह आपका देवी की आराधना से, सिद्धात्री की आराधना से पूर्ण हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा धन धान्य सुतान विदा। शास्त्र कहता है सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान विदा। धन कहते हैं आर्थिक परिस्थितियों को, इनकी आराधना से आपकी आर्थिक परिस्थितियां बहुत बेहतर होती है। धान्य, पहले धान्य कहा जाता था वाहन इत्यादि को, जो हमारे जानवरों की पहले सवारियां होती हैं, आप लोग जानते हैं हाथी घोड़े की सवारियां हुआ करती थी, तो उसको धान्य के रूप में शास्त्र में प्रतिष्ठित किया गया है, धान्य के रूप में लिखा गया है। आज हम उसकी जगह वाहन का प्रयोग करते हैं, तो शास्त्र कहता है यदि मुझे वाहन भी प्राप्त करना है, मुझे जीवन में सुख प्राप्त करना है, तो ये देवी प्रदान कर सकती हैं धन धान्य सुतान विदा। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज, इस संसार के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है कि लोग आपके बारे में क्या विचार करते हैं। हम सभी लोग शायद अपने आप को तैयार करते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा विचार करें, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। हम पूरा दिन ऑफिस में कार्य करते हैं ये सोचकर कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें। हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, जबकि इस देवी की आराधना है। कई बार आप देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत अच्छे सूट बूट पहन करके जा रहा हो, उसको लोग पसंद करें इसकी संभावना नहीं है, लेकिन एक फकीर जिसके चेहरे पर तेज है, शायद स्वतः ही लोग उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये वो देवी है जिसकी आराधना से आपके चेहरे पर तेज उत्पन्न होता है, आपके चेहरे पर ग्लो उत्पन्न होता है। कहते हैं मनुष्यो मत प्रसादेन, दुश्मन की भी मति जिस देवी की आराधना से हमारे बस में हो जाए, दुश्मन भी मेरे बारे में अच्छा विचार करना प्रारंभ कर दे, वो है देवी सिद्धदात्री। तो इस कारण से अगर हम सिद्धदात्री को लेकर के बात करते हैं तो शायद इनके बारे में वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके जो इनकी गुण है, जो इनके कृपा प्राप्ति का जो प्रादुर्भाव, वो बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है इनकी आराधना से इसीलिए ये दिन खास है, क्योंकि ये वो देवी हैं जो सब कुछ प्रदान कर सकती हैं। जी बिल्कुल, तो ये माना जाए कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आज आप सिद्धिदात्री माँ की पूजा करें, आराधना करें, जिससे आपके जीवन की सारी समस्या जो है वो दूर हो जाए। सिद्धिदात्री पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे माता के नौ स्वरूप है, नौ स्वरूप बेहद ही प्यारे हैं, बेहद ही अच्छे लगते हैं, पर स्पेशली यदि हम आज आपसे सिद्धिदात्री की बात करें तो माता का स्वरूप कैसा है? सिद्धिदात्री के बारे में आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन इनके स्वरूप की चर्चा करें तो इनका स्वरूप कैसा है और इनके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, अगर माता के सिद्धात्री के स्वरूप को लेकर के बात किया जाए, सिद्धात्री का जो स्वरूप है वो बहुत निर्मल स्वरूप है। सिर्फ किसी भी की जो फल प्राप्ति का स्वरूप होता है, एक लकड़ी को अगर उठा करके देखा जाए, सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए, स्टार्टिंग में जो उसका शेप होता है वो सकता है कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जब उसको बना करके ठीक किया जाता है तो किसी एक चीज़ की आकृति दी जाती है, तो जो उसकी लास्ट की आकृति होती है बहुत सुंदर होती है। उसी प्रकार देवी के प्रत्येक अगर स्वरूप के बाद की जो नौ स्वरूप का जो तेज है वो सिद्धात्री के स्वरूप में होता है। जो नौ स्वरूप का वास्तविक तेज है, आप अगर उठा करके देखेंगे देवी के प्रथम स्वरूप की अगर बात करें, शैलपुत्री का स्वरूप शांत स्वरूप है, एक साधारण स्वरूप है, एक अच्छा स्वरूप है। दूसरे स्वरूप की बात करें ब्रह्मचर्य, तो एक पूरा ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, बिल्कुल शांत स्वरूप और अच्छा स्वरूप माना जाता है। तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा, ना बहुत शांत कहा जा सकता है, ना बहुत उग्र कहा जा सकता है, एक मध्यम का जो स्वरूप होता है वह स्वरूप है। कुष्मांडा तेज है उनके फेस पर, अगर कुष्मांडा की बात की जाए तो बहुत तेज है उनके फेस पर और बहुत चमक है, क्योंकि सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्कंद माता के अंदर मातृत्व का स्वरूप है, लेकिन वही जैसे ही आते हैं जो कात्यायनी माता हैं, उनके अंदर थोड़ा परिवर्तन आता है, कालरात्रि के अंदर पूरा परिवर्तन है नहीं है? उसके बाद दुर्गा जी के स्वरूप के बाद जो हम सिद्धात्री, तो ये जो अलग अलग सारे स्वरूप हैं, लेकिन हर स्वरूप के अंदर जो तेज है वो सारा तेज जब एक देवी के अंदर आ जाए, उस देवी का नाम है सिद्धदात्री। तो इनका स्वरूप बहुत ही प्यारा है,
बहुत मनमोहक है और बहुत सुंदर है। जब संसार की विपत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वास्तविकता में देवता को भी लगा कि शायद हमसे ये जो विपत्तियाँ हैं ये कंट्रोल नहीं की जा सकती, शायद हम भी इस परिस्थिति को बेहतर नहीं कर सकते हैं, तब सभी देवताओं ने अपने अपने तेज के माध्यम से माता सिद्धदात्री की आराधना की, आदिशक्ति जो पराशक्ति है उनकी आराधना की, और उनकी आराधना से जो 9 अलग अलग स्वरूप थे उनका एक स्वरूप तैयार हुआ और वो स्वरूप है माता सिद्धदात्री का, जिनकी आराधना हमारे लिए बहुत लाभप्रद होती है। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हम सब लोग नवरात्र को करते हैं, हम समस्त भारत के त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन हम उन त्योहारों का महत्व नहीं समझ सकते। जबकि आज अगर उठा करके देखा जाए तो भारतीय संस्कृति को पूरा विश्व मानने के लिए तैयार है। अगर हमारे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम हुआ था तो उस कार्यक्रम में गीता के श्लोकों को बोला गया और गीता के श्लोक को फॉरेन वाले बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे थे। शायद हम अपने बच्चों को आज ओम नमः शिवाय बोलना या रामायण के एक शब्द को नहीं सिखा पाते हैं, लेकिन फॉरेन वाले हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही गायत्री मंत्र पर रिसर्च हुआ और गायत्री मंत्र पर रिसर्च होने के बाद ये पाया गया, ऑल इंडिया मेडिकल ने रिसर्च किया और इस चीज़ को पाया कि जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है उसका मस्तिष्क, 6 वर्ष का रिसर्च था, उसका मस्तिष्क ज्यादा तेज होता है, जो नहीं करता है उसकी और एक अलग तरीके की ऊर्जा भी, यस एक अलग तरीके की ऊर्जा आती है। महामृत्युंजय पर यहां तक कि अभी रिसर्च चल रहा है और एक अमेरिकन मेडिकल टीम है जो बार बार ऑल इंडिया मेडिकल से कह रही है कि मुझे इस रिसर्च में सम्मिलित किया जाए। तो हमारे जितने भी व्रत हैं, एकादशी के व्रत को लेकर के नासा ने स्पेशली कहा कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको कैंसर होने का खतरा सबसे कम रहता है। तो अगर हमारी भारतीय व्रत या भारतीय पर्व या भारतीय त्यौहार को लेकर के बात किया जाए तो वास्तविकता में इनसे बेहतर किसी चीज़ का महत्व नहीं है। तो नवरात्र भी हमारा संदेश देता है, अगर उठाकर देखा जाए नवरात्र संदेश देता है सामाजिक सुधार को लेकर के। एक कन्या की हम नियमित रूप से पूजा करते हैं, कन्या पूजन को लेकर के विशेष वर्णन है जी, कन्या पूजन हम करते हैं। जिस घर में कन्या का पूजन हो रहा है, शास्त्र में नियम है कि आप प्रतिदिन कन्या को बुलाइए, उसके चरण धुलाइए, उसकी अच्छी तरीके से पूजा कीजिए, एक देवी स्वरूप मानिए। अगर आपका बेटा, आज अगर हिंदुस्तान के अंदर या विश्व में कहीं भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं जो स्त्रियों के प्रति बेहतर नहीं है तो हम सभी लोग कैंडल मार्च लेकर के दौड़ते हैं, लेकिन जो उस घटना को अंजाम दे रहे हैं वो आप ही के हमारे घर से हो सकते हैं, अलग से नहीं होते हैं। तो नवरात्र का मतलब है जब आपका बेटा ये देख रहा है कि मेरे माता पिता एक कन्या का सम्मान कर रहे हैं, उसकी अच्छी तरीके से पूजन कर रहे हैं, तो क्या वो बच्चा बड़ा हो करके किसी स्त्री को अपमान करने की सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। और उसके साथ आज होता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो माँ बाप के विपरीत जा करके कार्य करती हैं, जिससे कि शायद माँ बाप को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी लड़की का नियमित रूप से उसके घर वाले इतना सम्मान कर रहे हैं, उसका पूजन कर रहे हैं, तो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाने से पहले 10 बार वो लड़की जरूर सोचेगी। यानी हमारा जो भारतीय संस्कार है वो कहीं ना कहीं स्थिर रहेगा और बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से हमारे भारत के जो व्रत त्यौहार हैं वो विशेष रूप से सूचना देते हैं और एक अच्छे संस्कार की सूचना देते हैं, और अगर नवरात्र को उठा करके देखा जाए तो वास्तविकता में एक सुंदर संदेश देता है। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी से आपने सुना और जाना और समझा कि क्यों आज का दिन बेहद खास है, सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है, आज के दिन आप क्या क्या करें इस पे भी चर्चा करेंगे हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम में। तो नवरात्र के दिन चल रहे हैं और आज दुर्गा नवमी है, और दुर्गा नवमी को किस तरीके से आप मनाए, किस तरीके से सेलिब्रेट करें और आज का दिन क्यों है खास, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने के लिए लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राज मिश्रा जी। तो आज नवमी है और आज हम दुर्गा नवमी चर्चा कर रहे हैं, पर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अष्टमी के दिन पूजा करें या नवमी के दिन करें, क्योंकि इसी के साथ पूजा की समाप्ति भी हो जाती है। तो क्या नवमी में पूजा करना चाहिए या अष्टमी के दिन पूजा करना? देखिए, बहुत सारा ऐसा होता है कि लोग अष्टमी और नवमी को लेकर कंफ्यूजन रहता है, और शायद मुझे लगता है अधिकतम लोग अष्टमी पूजने का प्रयास करते हैं। भारत का अगर उत्तर भारत को देखा जाए नवमी पर विशेष, उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र नवमी को पूजता है, बिहार का क्षेत्र कुछ क्षेत्र नवमी को पूजता है, गुजरात के भी करीब कुछ लोग नवमी को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन पंजाब का क्षेत्र अगर उठा करके देखा जाए तो अष्टमी पर ज़्यादा ध्यान देता है। पंजाब हरियाणा जो ये क्षेत्र है आपका, हिमाचल का प्रदेश जो का जो क्षेत्र है, ये अष्टमी पूजता है।
अगर शास्त्र को उठा करके देखा जाए और देवी भागवत के अंतर्गत अगर उठा करके देखा जाए तो हमारे लिए सबसे बेहतर है अष्टमी पूजने का विधान शास्त्र में नहीं है, जबकि देवी भागवत के अंतर्गत क्लियर ये विधान आता है कि आपको अष्टमी का व्रत रख करके नवमी को पूजन करना चाहिए। हम बात करते हैं नवरात्रि को लेकर के, हमारा जो शब्द होता है कि हम नवरात्रि में देवी जी का पूजन कर रहे हैं। अगर हम अष्टम दिन ही देवी का पूजन कर लेते हैं तो नवे दिन जो वास्तविकता में सिद्धदात्री का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होना चाहिए वो शायद हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। वो परिस्थिति होती है कि हम किसी कार्य के लिए गए तो, लेकिन वहाँ तक पहुँचे जहाँ वो मंजिल थोड़ी दूर थी और हमने पहले ही सोच लिया कि नहीं हमारा कार्य संपूर्ण हो गया था, तो जो कार्य का अच्छा फल प्राप्त होना चाहिए हमने थोड़ा फल प्राप्त किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण फल मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाया। सबसे पहले नवरात्र का विधान है, तो नवरात्रि अगर गिना जाए तो नवमी को ही जाकर के पूजन होता है, और शास्त्र पूरी तरह से कहता है कि आपको नवमी के भी तीसरे प्रहर के अंदर, शास्त्र कहता है कि नवमी में भी प्रथम प्रहर के अंदर पूजा का विधान नहीं है, नवमी में भी तीसरे प्रहर में पूजा का विधान है। इसी कारण से आप देखते हैं जब कन्याओं के पूजन की बात की जाती है तो देवी के अलग अलग स्वरूप नौ कन्या के पूजन का विधान है। तो अगर हम अष्टमी को पूजन करते हैं तो शायद हम पूर्ण जो नवरात्र का फल प्राप्त होना चाहिए या पूर्ण जो नवरात्र होना चाहिए वो शायद पूरा हम नवरात्र नहीं कर पाते हैं, एक दिन बल्कि हमारे अंदर अधूरा रह जाता है। और देवी की जो विशेष कृपा सिद्धदात्री की प्राप्त होनी चाहिए वो सिद्धदात्री की कृपा हमें नहीं प्राप्त हो। जी बिल्कुल आचार्य जी, ये तो आपने बहुत बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर किया, क्योंकि बहुत लोग अष्टमी के साथ पूजा की समाप्ति कर देते हैं, पर दर्शकों ये बात सही है कि नवरात्रि यानी कि नौ दिनों की रात्रि, और इस बार की नवरात्रि भी आचार्य जी बहुत खास है, बहुत शुभ योग भी मिल रहे हैं। पर पूजा समाप्ति की बात करें, जिस तरह से लोग अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं, तो उसकी समाप्ति किस प्रकार से आज के दिन करनी चाहिए? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बहुत सारे लोग कलश स्थापना, मैंने दो तीन चीजें देखा है, कलश स्थापना बड़ी श्रद्धा से करते हैं, देवी की मूर्ति बड़ी श्रद्धा से लेकर के आते हैं, बहुत अच्छे से लेकर के पूजा कर, हाँ बिल्कुल उनका आवाहन होता है, पूरे नौ दिन पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन जैसे ही अष्टमी आती है या नवमी आती है, जैसे उनके स्थापना का टाइम, विसर्जन का उनका टाइम आता है, खैर देवी को भी विसर्जित नहीं करना चाहिए, विसर्जन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। देवी को तो चाहिए कि हमेशा हमारे साथ रहें, हम उनकी आराधना करें कि हे देवी हमारे साथ रहें और हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही नवरात्र समाप्त होता है उसके बाद आप अनेकों मूर्तियों को उठा करके देखेंगे रोडों पर पड़ी हुई। सबसे ज्यादा जो विसर्जन के लिए जो दुख देता है वो ये चीज देता है। अगर एज ए धार्मिक मैं अपने आप को देखता हूं तो मेरा जो कार्य है वो लोगों को ये समझाना है कि भाई आपने नौ दिन तक पूजन किया है, जिस देवी की आपने नौ दिन तक आराधना की है, कोई आपको अपने घर में बुलाए और अपने घर में बुला करके आपको आराम से डिनर इत्यादि कराए, लंच कराए, उसके बाद आपको सीढ़ियों से धक्का मार दे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार अगर आपने नौ दिन तक देवी की श्रद्धा पूर्वक पूजा की है, आप वही मूर्ति लाने का प्रयास करें, वही फोटो लाने का प्रयास करें जिसको आप रख सकते हैं अपने घर में। अगर आप नहीं, कोई मूर्ति फोटो आपको लगता है कि शायद मैं इसको घर में ढंग से नहीं रख सकता हूँ या नहीं रख सकती हूँ, तो आप निराकार ब्रह्म की भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ब्रह्म दोनों चीज़ों में व्याप्त है, निराकार भी है और साकार भी है। इस चीज़ को लेकर के देखा जाए तो बहुत दिन पहले इन्हीं चीज़ों को लेकर के दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी कि मैं निराकार ब्रह्म की पूजा करूँगा, यज्ञ ब्रह्म की पूजा करूँगा। तो अगर मूर्ति जब हम देवी जी का जब विसर्जन करते हैं, अगर खेचरी ले जा करके मुझे रोड पर उठा करके फेंक देना है, अगर मूर्ति मुझे ले जा करके रोड पर उठा करके फेंक देना है, तो शायद ये सच्चा विसर्जन नहीं हो सकता है। आप विसर्जन करते हैं तो सबसे पहले जब आप कन्या पूजन कर लें, कन्या पूजन के पूरे विधान को फॉलो करने के बाद आप क्या करें, श्रद्धापूर्वक सायंकाल में आप देवी का प्रॉपर भोग लगाएं। कन्या पूजन के बाद भी ध्यान रखिए प्रॉपर तरीके से जो भोग की थाली है वो तैयार कीजिए, सात्विक भोजन जो है वो तैयार होना चाहिए, देवी के सामने उठा करके श्रद्धापूर्वक रखें। और पूरे परिवार के लोग हमेशा परमात्मा की पूजा यदि हम पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ करके करें तो ज़्यादा बेहतर है। संभव हो पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठें, ना पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तो जो भी जो बड़े हैं घर के या जिन्होंने देवी जी की आराधना की है, श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके देवी जी से प्रार्थना करें कि हे देवी, आज तक मैंने श्रद्धापूर्वक नौ दिन आपके व्रत करने का, जो आपके पूजन करने का जो व्रत लिया था, आज मैं उस व्रत को संपूर्ण कर रहा हूँ। हे देवी,
अपना आशीर्वाद इस पूरे परिवार पर बनाए रखें, हमारे घर के अंदर विराजमान हों। आज मैं सिर्फ आपके विग्रह को विसर्जित कर रहा हूँ, आज जो आपका दूसरा स्वरूप खिचड़ी का है मैं सिर्फ उसको विसर्जित कर रहा हूँ, मैं आपको अपने घर से विसर्जित नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप सदैव हमारे घर में रहें, हम पर अपना आशीर्वाद बना करके रखें। इस प्रकार की कामना करते हुए हाथ जोड़कर पहले श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें, उनका भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद उनको धूप दें, आरती करें, प्रॉपर तरीके से आरती इत्यादि करने के बाद फिर जो है जिस पर भी आपने देवी जी को स्थापित किया है या जो खेतरी इत्यादि है उसको थोड़ा सा वहाँ पर हिला दें। इसको कहा जाता है शास्त्रीय रूप से कि विसर्जन होना चाहिए। वास्तविकता में एक मंत्र शायद हम सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोग उसका प्रयोग भी करते हैं, आवाहनम न जानामि तो विसर्जनम, पूजाम चयो न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। बहुत साधारण मंत्र है और अधिकतम हर घरों में मैं जाता हूँ, कई सारे घरों में तो देखा भी जाता है कि लोग बोलते हैं कि हे देवी, ना तो मैं आपका आवाहन जानता हूँ, ना आपका मैं पूजन जानता हूँ और शायद ना ही मैं आपका विसर्जन करना जानता हूँ, इसमें कोई भी त्रुटि हमसे हुई है तो उस त्रुटि को क्षमा करके आप हमें पूजन का पूर्ण फल प्रदान करें, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार विसर्जन करते हुए फिर जिस पर भी आपने देवी जी को रखा हुआ है या खिचड़ी इत्यादि है उसको थोड़ा सा हिलाएं, हिलाने के बाद उस खेतरी को अगर आपके घर के बाहर गमला इत्यादि आपने लगा रखा है तो गमले के अंदर उठा करके रख दें, धीरे धीरे अपने आप बड़े हो करके या जो भी है उस प्रकार से हो जाएगा। और अगर कोई मूर्ति इत्यादि आपने रखा है अपने घर में आपके रखने की व्यवस्था है वहाँ उनको उठा करके अच्छी तरह स्थापित कर लें, नहीं अपने घर में रखा है तो जो भी व्यवस्थित हैं जिनको उसकी आवश्यकता है किसी को पूछ करके उनको उठा करके दे दें, कोई अपने घर में ले जा करके उसका पूजन करें। कभी भी किसी मूर्ति इत्यादि को इस प्रकार ना करें, कोई मूर्ति इत्यादि ऐसी लगती है कि नहीं मुझे इसको विसर्जित ही करना है, मिट्टी की है तो कोशिश करें पानी भर के उसके अंदर डाल दें ताकि वो गल जाए और पानी इत्यादि उसका काम आ जाएगा, नुकसान नहीं होगा। या फिर ऐसी जगह उसको विसर्जित करने का प्रयास करें जहाँ किसी प्रकार से नुकसान किसी को ना होने पाए या भारत की जो स्वच्छता है उसका नुकसान ना होने पाए, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो पूर्ण फल। जी बिल्कुल, पूजा की समाप्ति भी बहुत अहम भूमिका निभाती है नवरात्रि पर। बहुत लोग ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन करें, तो असली मायने में देखा जाए जो कन्या पूजन होता है वो बहुत सारे लोग कभी अष्टमी में करते हैं, कभी नवमी में करते हैं और कभी कभी 7 कन्याओं का करते हैं, कभी 9 का करते हैं, तो इसको लेके भी लोगों के अंदर बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं, इस पे आप क्या कहना? अगर कन्या पूजन को लेकर के देखा जाए, कन्या पूजन को लेकर के देवी भागवत में बहुत क्लियर वर्णन है। सबसे पहले कन्या पूजन के उम्र को लेकर के वर्णन किया गया है, 1 वर्ष से कम कन्या का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। जिस कन्या की उम्र 1 से कम है उसका पूजन नहीं करना चाहिए और जिस कन्या का उम्र 10 वर्ष से ज्यादा है उसका पूजन नहीं करना चाहिए। 9 कन्या को लेकर के शास्त्र में पूजन का वर्णन है, 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए और एक बच्चे को साथ में बिठा करके भोजन कराना चाहिए। 1 वर्ष से कम कन्या नहीं, अलग अलग कन्याओं के अगर पूजन को लेकर के देखा जाए तो कन्याओं के अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। जो कन्या 1 से 2 वर्ष जिसकी उम्र है उसको कुमारी कन्या के नाम से देवी भागवत के अंतर्गत संबोधित किया गया है। अगर देखा जाए जिसकी उम्र 2 से 3 वर्ष के अंदर है उसको त्रिमूर्ति कन्या के नाम से संबोधित किया गया है। 3 से 4 वर्ष वाली कन्या का नाम कल्याणी के नाम से कहा गया है और 4 से 5 वर्ष जिस कन्या का उम्र है उसको रोहिणी के नाम से कहा गया है। 5 से 6 वर्ष जिस कन्या का उम्र है उसको चंडिका के नाम से संबोधित किया गया है। 6 से 7 वर्ष जिस कन्या का उम्र है उसको कालिका के नाम से संबोधित किया गया है। 7 से 8 वर्ष जिस कन्या का उम्र है उसको शांभवी के नाम से संबोधित किया गया है। 8 से 9 वर्ष की कन्या का जो उम्र है उसको सुभद्रा कन्या के नाम से संबोधित किया गया है और 9 से 10 वर्ष जिस कन्या का उम्र है उसको सिद्धात्री कन्या के नाम से संबोधित किया गया है। तो इन अलग अलग कन्याओं के, ऐसा नहीं 9 कन्याओं का जो हम पूजन करते हैं उनकी अलग अलग पूजन का अलग अलग फल है, किसकी आशीर्वाद से हमें क्या फल प्राप्त होता है। जो हम 1 से 2 वर्ष की जो कन्या है, शास्त्र में ऐसा ही नियम नहीं है कि आप सप्तमी या अष्टमी को ही कन्या पूजन करें, शास्त्र कहता है कि आपको नवरात्र में प्रतिदिन वैसे प्रतिदिन कन्या का पूजन घर में करना चाहिए। अगर भारतीय वास्तविक शास्त्र की परिभाषा को देखें तो हमें घर में प्रतिदिन कन्या का पूजन करना चाहिए, नहीं प्रतिदिन कर पाए तो नवरात्र में जरूर करना चाहिए। अगर आप
एक से दो वर्ष की जो कन्या है, जिसको कुमारी कन्या के नाम से कहा जाता है, अगर इस कन्या का पूरे 9 दिन हम पूजन करते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत घर में कभी दरिद्रता नहीं हो सकती है। जो 1 से 2 वर्ष की कन्या का नियमित पूजन करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती है, आर्थिक परिस्थितियां हमेशा बेहतर रहे। जी बिल्कुल, वैसे भी आज दुर्गा नवमी है, कार्यक्रम में वक्त की कमी है, पर आपसे चाहेंगे कि आज के दिन की जो विशेषता है, आज सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना की जा रही, तो आज के दिन की विशेषता को छोटे शब्दों में आप किस तरीके से बयां करेंगे? देखिए, अगर आज के दिन की विशेषता की बात की जाए तो आज का दिन, मैंने आपको आज का दिन जो हमने 9 दिन पूजन किया है उसका जो पूर्ण फल प्राप्त होना चाहिए उसके प्राप्ति का है, आज सिद्धि प्राप्त करने का दिवस है। तो अगर आज के दिन अपने मन को स्थिर रख करके देवी की आराधना हमने की तो निश्चित रूप से आज जो अष्ट सिद्धि नवनिधि जिसको कहते हैं, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि निश्चित रूप से आज हमें प्राप्त होती है। अगर हो सके तो आज हमें विशेष क्या करना चाहिए, सायंकाल में ध्यान रखिएगा जो गौधूली वेला है, गौधूली वेला में हमें क्या करना चाहिए, यज्ञ थोड़ा सा हवन के लिए कुछ लकड़ी इत्यादि इकट्ठा करके और उसको जलाना चाहिए, और पंचमेवा लेनी चाहिए, 5 मेवा जो होती है उसको लेना चाहिए। नहीं पंचमेवा की व्यवस्था है तो घर में चीनी के साथ रोटी मिक्स करते हैं या पूड़ी मिक्स, कुछ भी करके, और यज्ञ आपको जरूर करना चाहिए। कैसे? ओम दुर्गा देव्यै नमः। अगर माता के 9 स्वरूप याद हैं तो 9 का नाम लें, बहुत फायदेमंद होगा। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, सभी देवियों का नाम लें। अगर नहीं नाम याद है तो दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा, 9 आहुति इस प्रकार करके डालें और उसके बाद श्रद्धा पूर्वक देवी जी से प्रार्थना करें कि हे देवी हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप देखेंगे आपके घर में समस्त जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और आज का दिन आपको जीवन की सारी सुख समृद्धियां प्रदान करने वाला। जी आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और आपको भी दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय माता दी। जय माता। जी बिल्कुल, तो दर्शकों, सुना अपने आचार्य जी से कि आज का दिन जो है वो बेहद खास क्यों माना गया है। सिद्धिदात्री माता सभी की मुरादें पूरी करती हैं, तो आपके मन में भी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामनाएं उत्पन्न हो गई है, आप माता रानी से मांगना चाहते हैं तो आज के दिन मांग लें, बस सच्चे मन से मांगे, क्योंकि माता रानी इन नवरात्रों के दिनों में विशेष कृपा बरसाती है। फिलहाल दर्शकों, इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, जय माता दी।